28 मई वर्ष 1883 में विनायक दामोदर सावरकर का जन्म नासिक के ग्राम भागुर में हुआ था। वे एक महान क्रांतिकारी, चिंतक, लेखक, कवि, दूरदर्शी राजनेता और प्रखर हिंदू राष्ट्रवादी थे। हिंदू राष्ट्रवाद की राजनीतिक विचारधारा हिंदुत्व के विकास का श्रेय सावरकर को ही जाता है। सावरकर प्रगतिशील विचारों वाले व्यक्ति थे जो धर्मों में पसरे रूढ़िवाद के कट्टर विरोधी थे। उन्होंने वर्ष 1857 में लड़े गए पहले भारतीय स्वाधीनता संग्राम पर किताब लिखी। सावरकर पहले व्यक्ति थे जिन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य के केंद्र लंदन में उसके ही विरुद्ध क्रांतिकारी आंदोलन संगठित किया। वर्ष 1904 में गठित क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत इसका प्रमाण है। अभिनव भारत के तहत उनका एक ही सूत्र था, हिंदी को राष्ट्रभाषा व देवनागरी को राष्ट्रलिपि घोषित करना। स्वतंत्रता संग्राम में उन्हें कई बार जेल भी जाना पड़ा। उन्होंने परिवर्तित हिंदुओं के लिए हिंदू धर्म में वापस लाने के लिए सतत प्रयास किए। सावरकर जीवन भर अखंड भारत के पक्षधर रहे। सावरकर को कई बार अखिल भारतीय हिंदू महासभा का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया। सावरकर ने कई किताबें लिखी जो स्वतंत्रता और हिंदुत्व का प्रतिनिधित्व करती हैं।